हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप सोच रहे होंगे इसी मेकअप में तो अभी इसने एक वीडियो बनाया, फिर इसी में आ गई। तो हाँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और वीडियो शूट कर लूं गाइस, क्योंकि बहुत वीडियोस पेंडिंग है मेरे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मेरे न्यू प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी बाय किए हैं दिल्ली में। मम्मी के यहाँ गई थी तो मैंने वहां से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स न्यू लिए हैं, उन्हीं का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे इस मेकअप पर सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, और उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा रही हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये दिखा दूं, ये है फॉग का परफ्यूम, फॉग सेंट, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट चालू था जिसकी इसकी एमआरपी 100 ml है, इसकी एमआरपी है 500, बट मुझे ये 300 का मिला है, और मैंने करीबन 1000 का सामान मंगाया था तो मुझे शिपिंग चार्ज नहीं लगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक मंगाते हैं तो आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, मे बी 60 rupees या 40 rupees आपको साथ में देने पड़ेंगे। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अभी भी ऑफर चालू है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये था जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बाकी के मेरे प्रोडक्ट सब मैंने शॉप से ही बाय किए हैं, लोकल शॉप से। तो वो है इस पाउच में। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो है वाटरप्रूफ ब्लेमिश बाम शाइनी पर बीबी क्रीम, जो कि है स्विस ब्यूटी की। तो गाइस, मेरे पास कोई भी बीबी क्रीम नहीं थी और मैंने एक बार ही यूज किया है, वो है वैदिक लाइन का, तो मैं उसको यूज कर करके पक गई थी, मैंने कहा लाओ कुछ चेंज लाते हैं। तो मैंने ये बीबी क्रीम ली है और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलती है, जिसका कि प्राइस है 199, बट मुझे ये 160 की मिली थी शॉप पे, मेरे को उन्होंने डिस्काउंट करके दिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके दिखाती हूँ, ये बहुत ही ब्राइट सा शेड है, एकदम देख रहे ना, ऐसा लग रहा है से एकदम व्हाइट टाइप का, लेकिन आप इसको जब ब्लेंड करते हैं ना तो ये एकदम आपके स्किन पे मर्ज हो जाता है पूरा। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, वहां पे कलर सेंस का भी था बट मुझे वो बहुत पैची पैची लगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, वो तो मेरे ख्याल से 120 का ही था। तो ये देखिए, बहुत ही स्मूथ और एकदम लाइट वेट है, ये लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो बहुत ही अच्छी है ये, बहुत ही वर्थ बाय है ये, अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लोकल शॉप पे भी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ये था। उसके बाद जो मैंने लिए हैं नेक्स्ट वो है नेल पेंट्स, जो कि अगेन स्विस ब्यूटी के नेल पेंट्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं गाइस, मैंने लगाए थे, निकल गए हैं मेरे नेल्स कैसे हो रखे हैं इस वक्त। तो मोस्टली आप जब नेल पेंट लेते हैं ग्लिटर वाले ना, तो आप जब लगाते हैं तो वो थोड़ा सा पानी ग्लिटर अलग अलग दिखता है, बट आप इसको अगर लगाएंगे ना तो ये एकदम डार्क निकलता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ लगा के। तो मैंने दो शेड लिए थे, एक रेड एंड एक ब्लैक, मन तो कर रहा था कि मैं सारे शेड ले लूं, बट पहले से भी बहुत सारे पड़े हैं, अब तक लगाते भी नहीं है यार, ये देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर है, देखिए मैं आपको ब्लैक भी लगा के दिखाती हूँ। और इसका प्राइस है गाइस 149 ईच। इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लाइनर जो कि है 149, और मेरे ख्याल से ये भी मुझे 130 में मिला था, और ये भी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको हल्का सा ये देखिए, तो नेक्स्ट ये था गाइस। ये सारे ही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको इसको लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद स्विस ब्यूटी ने लॉन्च किए हैं अपने
इंटेंस जेल काजल जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं। तो मैंने एक लिया है ब्लू, उसके बाद जो मैंने दूसरा लिया है वो है गोल्डन। इससे आप चाहे तो लाइनर लगा लो, चाहे तो आप हल्का सा आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, लाइनर भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत स्मूथ है, बहुत मेरे हाथ में फाउंडेशन लगा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो ये देखिए गाइस, तो कुछ इस तरीके से है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको लेंगे तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। और ये कितने का था, ये गाइस थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 299 का ईच था, इसमें भी कुछ डिस्काउंट था बट मुझे याद नहीं है यार इतना, क्योंकि शॉप से लिया था, टाइम हो गया, यूज भी किया तो इतना नहीं रहता है रिमाइंड। आप अगर इसको ऑनलाइन लेंगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, और शॉप पे भी अगर आप लेंगे तो शायद कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाए। उसके बाद जो मैंने लिए हैं वो भी स्विस ब्यूटी की है लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूट शेड लिया है जो कि है रियल न्यूट, आइटम नंबर 30SB302 स्विस ब्यूटी। तो जो मैंने अभी लगाया है यही वाला शेड मैंने लगाया गाइस, आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी है गाइस, एकदम ऐसा बहुत लाइट वेट ऐसा लगता ही नहीं आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है, अपने लिप्स पे कुछ लगाया है, और बिल्कुल भी जल्दी से ये निकलती नहीं है, काफी टाइम तक आपके लिप्स पे टिकी रहती है। हाँ अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो थोड़ी बहुत जरूर निकलेगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। 199 इसका MRP है और मुझे लगता है ये 150 में मुझे मिली थी, तो 150 में यार क्या है, आपको पूरा दिन आपके लिप्स पे टिकी जाती है, मेरे तो टिकती है भाई। किसी किसी के साथ होता है ना कि उसकी लिपस्टिक, मैंने क्योंकि बहुत लोगों को नोटिस किया है, मेरे फ्रेंड में ही है, मेरी लिपस्टिक अगर मैंने लगाई तो वो टिकी रहती है, लेकिन अगर वो लगाएगी ना तो उसकी निकल जाती है बल्कि मैं उसको बोलती हूँ तो चाट लेती है क्या यार लिपस्टिक तेरी, निकल क्यों जाती है। तो आप लगाएंगे कुछ देर के बाद इसको, ये पूरा मैट हो जाएगा और आपके एकदम स्मच नहीं होगा। तो ये था, उसके बाद जो लिपस्टिक है वो है ये, वो भी स्विस ब्यूटी की है, स्विस ब्यूटी 27 न्यूड बाम, आइटम नंबर SB302। ये भी 302 थी क्या? हाँ गाइस, दोनों में नंबर सेम है, एक है S22N और दूसरी वाली है 27 न्यूड बॉम। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने दोनों में 302 बोला है, इसका जो ये नंबर है वो चेंज है, एक 22 है, मे बी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ वैसे ही, S22 है ये वाला शेड और 27 न्यूड बॉम ये वाला शेड है। ये उससे थोड़ा सा डार्क है, ये देखिए, है ना गाइस, वाओ मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे यार। मुझे स्विस ब्यूटी के ना सारे ही प्रोडक्ट अभी तक, मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत जल्दी मैं आपके साथ स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप लुक करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट इसके सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे हो गए हैं, थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट बचे हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी बाय करूंगी और मैं आपके साथ वन ब्रांड मेकअप लुक शेयर करूंगी। उसके बाद फिर हम आते हैं स्विस ब्यूटी के काजल पे। आप कहोगे कि क्या यार तू पूरा स्विस ब्यूटी उठा के लेके आ गई है, मतलब मुझे अच्छा लगा यार, और अफोर्डेबल गुड प्रोडक्ट, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट कौन लेना नहीं चाहता यार, खासतौर पर हम लड़कियां सोचती हैं यार अफोर्डेबल भी मिल जाए और अच्छा भी हो। तो उसके बाद मैंने लिया है काजल, वो भी स्विस ब्यूटी का है और बहुत ही अच्छा है, ये देखिए आप, इसका प्राइस है 169, सॉफ्ट कोल काजल आईलाइनर पेंसिल 169 इसका प्राइस है गाइस, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ब्रांड का नाम है बस। उसके बाद मैं आ जाती हूँ जो कि है कलर एसेंस, मैंने कलर सेंस का भी काजल लिया है और इसको मैं यूज कर रही हूं, और ये भी, ये देखिए
तो आप देख रहे हैं कलर से तो स्विस ब्यूटी में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये डार्क है उससे, और बाकी ये पूरा पूरा उसको टक्कर देता है। इसका प्राइस मुझे नहीं याद है, ये उससे थोड़ा कॉस्टली था, बट मुझे उसका इसका प्राइस याद नहीं है गाइस, क्योंकि इस पे लिखा भी नहीं है और मुझे इतना ध्यान नहीं है। नेक्स्ट अगेन स्विस ब्यूटी बुलेट लिपस्टिक, ये स्विस ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक है जिसका की एमआरपी आई थिंक 250 था, 299 इसका प्राइस है, और जो शेड है इसका 419 चौको बार। मुझे ये शेड बहुत टाइम से लेना था, मैंने किसी को लगाए देखा था तो मुझे तब से मन था कि मुझे ये शेड लेना है, फाइनली मैंने लिया। बहुत ही सुंदर शेड है, बहुत ही स्मूथ है और ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है, तो ये शेड आप देख रहे होंगे। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन लिपस्टिक ही है गाइज, मैंने लिपस्टिक बहुत सारी ली है क्योंकि मेरी लिपस्टिक खत्म हो चुकी थी और मैंने ली नहीं थी काफी टाइम से, इसलिए मैंने लिपस्टिक ले ली। तो मुझे भैया ने दिखाया था कोई न्यू प्रोडक्ट है, इसका नाम है जूस लिप टिंट, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, कुछ इस पैकेजिंग में आती है, लॉरियल की पैकेजिंग कुछ इसी तरीके से है मैट लिपस्टिक की, कुछ उसी तरीके उसी को कुछ कॉपी करके है, और इसका जो नंबर है वो है M11 जूस मैट लिप टिंट LT03, और इसका प्राइस आई थिंक 150 की थी ये, और मैंने इसको कई बार लगाया है और ये जल्दी से निकलती नहीं है गाइस, बहुत टाइम तक आपके लिप्स पे टिकी रहती है और एकदम लाइट वेट है। ये देखिए है ना, बिल्कुल सारे शेड्स मेरे देखिए एकदम डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ही अच्छे, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं अपनी लिपस्टिक से। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है अगेन लिपस्टिक, और ये है एकदम ब्राइट रेड, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मेरा खत्म हो चुका था, और ये है कलर्स क्वीन लिप मैट लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस मैट लिपस्टिक 2-in-1। तो 2-in-1 तो जो इसकी पैकेजिंग है गाइस वो कुछ इस तरीके से है, और ये 2-in-1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये देते हैं बुलेट लिपस्टिक, दोनों के शेड सेम है बट ये कुछ बुलेट, इसकी जो पैकेजिंग है बुलेट में आती है, मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ ये, और सेम शेड जो आता है वो आता है मैट में लिक्विड में कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपको दोनों मिल जाते हैं। अगर आपको मैट लगाने का लिक्विड लगाने का मन है तो आप लिक्विड लगा लीजिए, अगर आपको बुलेट लगाने का क्रीमी लगाने का मन है तो आप वो लगा लीजिए, और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थी, 225 की लिपस्टिक है ये, और इसके पहले भी मैंने इसमें की एक मरून शेड मैंने यूज किया हुआ है जो कि शायद होगा अभी उसमें बचा होगा थोड़ा बहुत, बट बस रेड शेड नहीं था, और इसको मैंने पहले भी यूज किया है, ये बहुत देर तक आपकी लिप्स पे टिकी रहती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थी, मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली। तो गाइस कुछ ये प्रोडक्ट्स थे जो मैंने न्यू अपने मेकअप पाउच में ऐड किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन सारे लिपस्टिक में से कौन से शेड अच्छे लगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे कि नहीं, नेल पेंट अच्छी लगी कि नहीं। तो और ये बैंड भी मैंने वहीं से लिया था, हाँ ये तो मैं बताने भूल गई, ये बैंड मैंने वहीं से लिया था, 100 का था ये बैंड, मुझे बहुत क्यूट सा लगा, मैं रोक नहीं पाई अपने आपको लेने के लिए, तो मैंने ये ले लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मेरे शेड्स आपको अच्छे लगे होंगे, मेरी चॉइस आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करना मत भूलिएगा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।